ये लगता है मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं। अब दीपक यार चाहे अगल बगल जितना घुमा ले, चंदन ठाकुर उनके लिए कोई बड़े नेता नहीं, लेकिन शिवराज पाटिल, खुद राहुल गांधी, मनमोहन सिंह क्या कहते हैं, चिदंबरम क्या कहते हैं, शिंदे क्या कहते हैं, जब देश के वो गृह मंत्री हुआ करते थे, भगवा आतंकवाद की बात, एक नेता कोई क्या, कांग्रेस पार्टी में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। सुनिए 10 सेकंड दीपक जी, बहुत स्पष्ट कहा है आपके लिए गीता जी, दीपक जी आपके लिए गीता जी होगी, 10 सेकंड आपके लिए गीता जी होगी, अगर यहाँ गीता को जिहाद करेंगे सुनना पड़ेगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, सुनना पड़ेगा, आप जिहाद करेंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा, सुनना पड़ेगा, ज्ञान की बात है, सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा, देश के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। गीता में भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, अगर जीतोगे तो सुख प्राप्त करोगे, राज्य प्राप्त करोगे, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जिहाद है तो जिहाद नहीं है, जिहाद है, जिहाद नहीं है, ये जिहाद है, जिहाद नहीं है, जिहाद है, मोटिवेशन तो क्यों कर रहे हैं, जिहाद, अरे जिहाद है क्या, बताइए, चलिए ठीक है, क्या हो गया दीपक, हो गया तो स्वर्ग, अरे देश ने देख लिया आप किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं, देश ने देख लिया, सुनिए सुनिए शिवम त्यागी, थैंक यू राकेश जी, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के नेता ने, ये देश बचा ही मुसलमान रहे हैं, ये देश बनाया ही उन्होंने है, ये देश है ही मुस्लिमों का, ये कांग्रेस है ही मुस्लिमों की, और मुस्लिमों को कौन बचा सकती है, सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। तो भैया एक काम करो ना, हिटलर की तरह जो है डोम बना बना के हिंदुओं को कटवा दो, पहले इनको बीच में आप बंद कराएंगे, आप इनसे बुलवा लीजिए, हिंदू महासभा के लोग, गोडसे के पुजारी है लोग, हिंदू हिंदुस्तान को बांट दिया इन्होंने, तो हिंदुस्तान को बांटने वाले आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, मुस्लिम लीग पर तो आप कुछ नहीं बोलते आप लोग, नहीं नहीं दीपक जी मुझे मेरा मौका दे दो, दीपक जी हिंदू महासभा मैंने डाल दिया, मुझे भी दे दो, अरे हिंदू महासभा पर आपने जैसे बोल दिया मुस्लिम लीग पर क्यों नहीं बोला, अरे तो मुस्लिम लीग इन्हीं की दोस्ती थी ना भाई, इन्होंने दोनों, चलिए आप जवाब, नहीं नहीं हो गया, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए, शिवम त्यागी, थैंक यू। तो जहां तक बात इस देश की है तो सारा काम मुस्लिम ही कर, कांग्रेस के लिहाज से तो ये देश मुस्लिमों का है, ये देश मुस्लिम चला रहे हैं, ये देश मुस्लिमों ने बनाया है, ये देश मुस्लिमों की वजह से आजाद हुआ है, उन्होंने ही सिर्फ लड़ाई लड़ी है, वही सिर्फ आगे लड़ेंगे, दीपक झा के हिसाब से हमें इस बयान का स्वागत करना चाहिए, प्लीज कृपया करके चुप हो जाइए, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलोगे, आपके बीच में नहीं बोलेगा, आपके बाद मुझसे तेरे नहीं अच्छी बात बोलो, लेकिन ये सारी बात क्यों कर रहे हैं, अच्छी बात करो ना, हिंदुस्तानियों ने इस देश को बनाया है, हिंदुस्तानियों से बनाया है, हर बार मैं बीच में बोलूंगा आपके, ये हिंदुस्तान का काम हमें बताएंगे, बताइए ये मुस्लिम तुष्टिकरण में डूबे हुए लोग, माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट राइट ऑन दिस कंट्री, बोलने वाले लोग बता दो, हिंदू गीता को जिहाद बताने वाले लोग, हिंदुओं को गाली देने वाले लोग, भगवान को आतंकवादी बताने वाले लोग, हिम्मत है, बिल्कुल राष्ट्र बनाओ, कब सांस्कृतिक तौर कब बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र है, राकेश अपने आप को इतना इतना अच्छा लगता है क्या, आवाज इतनी अच्छी नहीं है आपकी, बनाओगे मैं सबसे पहले आपको समझा दूंगा, सांस्कृतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र है भारत, अरे है भैया बंद करो ना, अरे अरे गदाधारी भीम है, ये देखिए ये मीठी मीठी बातें करोगे, ये हाथ से ऐसा डमरू क्यों बजा रहे, क्या हो गया, मानसिक संतुलन ठीक है, ठीक है ना, सांस्कृतिक तौर पर भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक आने वाले धरती हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर रहने वाला हर एक जीव जंतु हिंदू है, वो अलग बात है कि दीपक झा अंदर से क्या है मैं नहीं जानता, ठीक है।